नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशनामे सीधे सवाल। सीधे सवालों का जवाब देने के लिए ब्लैक बेल्ट सेवन डॉन और प्रसिद्ध कराटे कोच श्री यशपाल सिंह कलसी जी हमारे सीधे सवालों का जवाब देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने हमारे सीधे सवालों का क्या जवाब दिया है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे कालदेशना न्यूज चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद, मैं आपके चैनल का करना चाहता हूं क्योंकि ये एक सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं, जो कि अवेयरनेस का काम है, जो लोगों को जागरूक दे रहे हैं, जागरूकता का फैला रहे हैं। तो धन्यवाद, आप मुझे बुला रहे हैं क्योंकि मैं बहुत कुछ कहना भी चाहता था। धन्यवाद जी। सर मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे ये है कि कराटे में जो स्थिति चल रही है, क्या कराटे युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य साबित हो सकता है? देखिए, कराटे जो बोल रहे हैं आप, हमारे देश की बात करें तो अभी मैं बहुत डाउटफुल हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल का करें और वर्ल्ड लेवल पे करें तो कराटे में ओलंपिक्स में आज 2020 में ओलंपिक्स में देखिए कितने कितने लोगों ने, कंट्री ने मेडल लिए हैं। टर्की है नंबर वन पे और वहाँ पर इंडिया का कोई नाम नहीं है। ये नाम नहीं है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि नाम क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीन तीन चार चार फेडरेशन है जो कि क्लेम करती हैं कि हम कराएंगे कुछ, या हम ही इंटरनेशनल लेवल के हैं या हम नेशनल फेडरेशन हैं। तो बस इसी बारे में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं जी। सर सर मेरा आपसे अगला सीधा सवाल यह है कि हमारे देश में कई हजार कराटे प्लेयर हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमारे देश इंडिया से किसी भी प्लेयर का ओलंपिक में ना खेलने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, भारत देश की अगर आप जनसंख्या की बात करोगे तो चाइना के बाद हम ही आते हैं, और मुझे लगता है हम चाइना को भी बीट कर देंगे। पर अगर मेडल टैली में बात करेंगे तो चाइना बहुत ऊपर आ जाता है ना। तो ऐसे ही मुझे लगता है सेकंड नंबर पे इंडिया को आना चाहिए था मेडल टैली में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा लोग हैं, हमारे प्लेयर ज्यादा हैं। तो जितने ज्यादा प्लेयर, जितने ज्यादा लोग, उतनी अच्छी क्वालिटी वाले प्लेयर भी हम निकाल सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। पर प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जहां पर तीन तीन चार चार, जैसे बोलते हैं ना, हमारी जनसंख्या ज्यादा है वैसे ही हमारी फेडरेशन भी ज्यादा हो गई है। तो जो ये ज्यादा फेडरेशनों का प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कभी कोई भी फेडरेशन हमारी स्टेबल नहीं रही है। 2001 की बात करता हूँ, 2001 तक 1970 या 70 के दशक में मैं अगर बोलूँ तो वहां से रजिस्टर्ड थी ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन। उसके बाद कराटे पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हुआ। पर अब जब इंडिया में भी पॉपुलर हो गया, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, और जो गलत लोग थे और सही लोग थे सब फेडरेशन में आ गए। अब क्या हुआ, ये मिश्रण जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि हमें फेडरेशन में चाहिए ईमानदार और सच्चे लोग। अब यहां जो हो गया, यहां प्रॉब्लम ये आ गई कि अब बेल्ट बिकने लगी है। ये ब्लैक बेल्ट हो गई, ये कलर बेल्ट, ये स्टाइल चीफ बन गया। अगर हम ये चीजें बेचनी बंद कर दें फेडरेशन में, तो शायद हमारी फेडरेशन एक होगी, क्योंकि इतनी फेडरेशन इसलिए हो रही है कि लालच है, लालच। फेडरेशन में पैसा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी इंडियन जो कराटे की फेडरेशन है ना, क्रिकेट जो BCCI है उससे कम नहीं है। वो तो शायद अपने वाइट मनी में रखते हैं, हमारे यहाँ सब एड़ा मेड़ा सब चलता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी फेडरेशंस स्टेबल क्यों नहीं है। सबसे पहली स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम यही थी कि हमारे पास अगर एक कुछ स्टेबल होती तो आज हम ओलंपिक का प्लेयर 100% निकाल सकते थे जी। यस सर, मेरा अगला सवाल यह है कि जिसे देखो वे अपनी कराटे की फेडरेशन या एसोसिएशन बनाए हुए हैं, जैसे कि अभी आपने कहा है। कराटे प्लेयर कंफ्यूज है कि हमें कौन सी संस्था से जुड़ना चाहिए और कौन सी संस्था सही है, जिससे कि वह अपना भविष्य उज्जवल कर सके और ओलंपिक खेल सके। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब यहां पर मैं सबसे पहला तो मैं बताता हूं कि ये जो दोष है ना, ये एक कराटे के कोच का भी दोष है, दूसरा जी, ये हमारे खिलाड़ियों का दोष है। अब मैं फेडरेशन के नाम नहीं लूंगा इसके ऊपर, फेडरेशन का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग ही मिलके फेडरेशन बनाते हो, आप लोग ही मिलके आगे
उसको चलने के लिए, संचालन के लिए आप उनके लिए आगे का रास्ता खोलते हो, क्योंकि आप अगर जुड़ेंगे नहीं तो फेडरेशन का वर्किंग कैसे होगी। तो सबसे नंबर वन, अगर आप ओलंपिक खेलना चाहते हैं तो पहले आपने ओलंपिक चार्टर पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, किसी कोच को पता भी नहीं होगा ओलंपिक चार्टर है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के एफिलिएशन के रूल पढ़े हैं, किसी ने नहीं पढ़े हैं। अच्छा चलो कोई एक प्लेयर की बात करते हैं, वो तो स्कूल में पढ़ते हैं बेचारे, कई कोच तो हमारे बेचारे कुछ थोड़ा सा कराटे करा और ब्लैक बेल्ट भी लिए है तो उन्होंने आज अपना कामकाज चला रहे हैं। पर जो आज हमारे अंदर जो बोलते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा इम्प्रूव कर रहा है, और उसके साथ अगर मैं बोलूं कि अगर प्लेयर्स को ये ओलंपिक चार्टर और मिनिस्ट्री के रूल्स वगैरह ऐसे पढ़े जाएं तो उसको पता है कहाँ से जाना चाहिए, हमें किस फेडरेशन के साथ जुड़ना चाहिए, जो कि फेडरेशन वही वैलिड होगी जो इंटरनेशनल फेडरेशन से एफिलिएटेड होगी, जो WKF से एफिलिएटेड होगी। इस टाइम WKF से एफिलिएटेड फेडरेशन क्या है, कौन सी है, ये सबको पता है। पर सब अभी भी यही सोच रहे हैं कि हम शायद इंडिया में रह के और इंडिया वाले मिनिस्ट्री और उससे लेके हम इंटरनेशनल खेल लेंगे, नहीं खेल पाएंगे, ओलंपिक भी नहीं जा पाएंगे। जब तक आप इंटरनेशनल फेडरेशन से नहीं जुड़ेंगे तब तक आगे का रास्ता ब्लॉक है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे पास, हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी फेडरेशन सही है, कौन सी गलत है, नहीं तो ये इतनी सारी खुल गई हैं। अब अवेयरनेस जरूरी है। सो मैं आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये अवेयरनेस की बात है, ये सबको जानना चाहिए ही था। और आपने जो मुझे बुलाया ना, तो मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्लेयर्स और कोचेस, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे को इधर नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट नहीं, कहीं नहीं देखना है, हमारे को ये देखना है कौन सी फेडरेशन वैलिड है। और वैलिड का पॉइंट एक ही है, इंटरनेशनल फेडरेशन ने जिसको एफिलिएशन दिया वही चलेगी, यानी कि सर WKF, यस सर, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन इज द सोल बॉडी टू। एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई लोग WKF के अगेंस्ट भी रहते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स कराटे नहीं करना चाहते। जो स्पोर्ट्स कराटे करना चाहता है, स्पोर्ट्स कराटे सिर्फ एक ही सोल फेडरेशन है, वो है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। बाकी आप जितने मर्जी कराटे करो, कराटे के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, उसकी फेडरेशन अलग है। पर अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे जाना है, कंपटीशन लेवल पे जाना है और ओलंपिक खेलना है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन होने का आपके जो फेडरेशन है वो मेंबर होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो ओलंपिक ये बोलता है कि इनकेस आपकी फेडरेशन डीएफिलिएटेड हो जाती है तो आपको ओलंपिक के फ्लैग पे खिला देंगे, कोई बात नहीं, आपकी कंट्री के फ्लैग पे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि दैट्स अ डिस्प्यूट ऑफ द नेशनल फेडरेशन, वो देखेगी। तो वो डिस्प्यूट अभी तक इतना भी नए लेवल पे नहीं आया। हमारे तो जो प्लेयर्स हैं उनको यही नहीं पता था कि क्वालिफिकेशन राउंड कब हुए, कब क्वालिफिकेशन राउंड हुआ ओलंपिक का। पिछले एक साल से क्वालिफिकेशन राउंड 1.5 साल से चल रहे हैं, ए सीरीज चल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी चल रहे हैं, ये इनको इन्फॉर्मेशन कौन देगा कि क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा है, वो तो इंटरनेशनल फेडरेशन ही देगी ना, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। जब उनको वो जुड़े ही नहीं हुए तो उनको पता कहाँ से चलेगा। जी सर। सर मेरा आपसे अगला और सीधा सवाल ये है कि सर आपको नहीं लगता इस साल हमारे देश से ओलंपिक में कोई भी कराटे प्लेयर नहीं जाने का कराटे जगत को सबसे बड़ा नुकसान है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर जैसे देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए हमारे पास, हमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि कराटे 2020 में इंक्लूड करा गया। पूरे वर्ल्ड में जितने लोग कराटे कर रहे थे उनके अंदर बहुत हर्ष की लहर थी, उत्साह था कि यार हम कराटे ओलंपिक्स में होगा और हम लोग उसमें से एक पार्ट बनेंगे। तो टॉप 20 या जैसे भी उन्होंने WKF ने अपना सिलेक्शन प्रोसेस लिया तो काफ़ी सारी कंट्रीज जा पाई। एक मैं कोविड को भी बोल सकता हूँ कि हाँ थोड़ा दोष दे सकते हैं कि कोविड की वजह से ना तो कई लोगों की ट्रेनिंग हो पाई, ना कई लोग ट्रैवल भी कर पाए, तो एक ये हो गया। बट इसके साथ कंपनसेशन ये भी हो गया कि ओलंपिक 1 साल लेट हो गया, जिसको करना था हार्ड वर्क उसने करा और उसने पार्टिसिपेट करा, और ये एक बहुत अच्छा मौका हमने चुका दिया। हमारे से चूक हो गई कि अगर ये फेडरेशन हमारी 2020 में, जो हमारी फेडरेशन जो टूट गई या जो गड़बड़ हो गई या खराब हुआ, ये ना होता तो शायद शायद एक या दो प्लेयर हम खिला पाते। और ये भी रहता कि देखिए
सारे भी कोचिज और जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे काई के हों, कियो के हों, एआईकेएफ के हों, क्या हम सब लोग एक होकर यही सोच लेते कि यार लेट्स सी, हम लोग लड़ बाद में लेंगे, पहले एक कम से कम जो प्लेयर या एक या दो प्लेयर क्वालिफाई करने के योग्य हैं, उसके बिल्कुल पास है, नज़दीक है, क्या उनको हम भेज पाते हैं? वो बेचारा पैसे के अभाव में भी नहीं जा पाता। अब यहाँ पर तुम पैसे लगाते हो कोर्ट केस में, मैं आपसे सारी फेडरेशनों से पूछता हूँ कि आप कोर्ट केस में पैसा लगा देते, एक प्लेयर पे नहीं लगा सकते। तो ये हमारा, मुझे लगता है दोबारा ये अभिशाप ही हो गया, 2001 से हमारे को कोई फेडरेशन नहीं मिल रही है। सो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है झटका था कि 2020 में हुआ, मुझे पता नहीं 2024 में अभी कराटे आएगा या नहीं आएगा, पर ये एक मौका था जो हमारे हाथ से छूट गया। जी सर। सर अगला सवाल है कि विभिन्न कराटे एसोसिएशन को नियंत्रित करने में खेल मंत्रालय की क्या भूमिकाएं हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि खेल मंत्रालय को इसके बीच में थोड़ा इंटरफेयर करना चाहिए। ये खेल मंत्रालय क्या करता है, बड़े लिमिटेड इंटरफेरेंस देता है। आपके इलेक्शन नहीं हुए, लेटर दे दिया और इलेक्शन कराओ, इलेक्शन हो गए उसके बाद अरे प्रतिक्रिया दो ना, इलेक्शन हम वैलिड अभी भी नहीं मानते। जैसे काई में इलेक्शन हुआ, अब उन्होंने वैलिडिटी मानी या नहीं मानी उसका कोई लेटर नहीं आ रहा है, या आया है तो वो ऑफिशियल बाहर दिखा नहीं रहे। तो ये आपको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा खेल मंत्रालय को। खेल मंत्रालय पब्लिक डोमेन में नहीं डालता है, जिसको लिखना चाहिए कि भाई ये देखिए ये वाली फेडरेशन कंट्रोवर्सी में है, कराटे एक खेल तो है पर इसकी फेडरेशन हमारे पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है। कम से कम खेल मंत्रालय इतना क्लैरिटी दे जिससे जितने भी, मेरे बोलता हूँ जितने भी खिलाड़ी हैं नहीं जा सकते WKF, या उनकी वेबसाइट पे नहीं देख सकते, उनको नहीं पता बेचारे कई गांव में है, कई बेचारे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, छोटे हैं, कम से कम वो हिंदी में हमारी खेल मंत्रालय की वेबसाइट में तो देख सकते हैं कि यार ये वाला फेडरेशन को इंटरनेशनल फेडरेशन से एफिलिएशन नहीं मिली, इसकी मान्यता रद्द कर दी गई, या फिर इस फेडरेशन की प्रॉब्लम ये है इसलिए हमने इसको रद्द कर दिया। अब खेल सारे लिस्ट होने चाहिए खेल मंत्रालय में, मैं बोलता हूँ जितने भी ओलंपिक के खेल हैं, जितने भी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल खेल हैं, वो सारे हों और उसमें ये लिखा जाए कि ये फेडरेशन डिस्प्यूटेड है और इस फेडरेशन में हम नहीं कर सकते, या इस फेडरेशन को इंटरनेशनल मान्यता मिली है हमने नहीं दी, या इनके इलेक्शन फेल हो गया है, हमारे को इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो ठीक नहीं लगा, हमारे रूल के हिसाब नहीं था। तो ये थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खेल मंत्रालय के, क्योंकि बेचारे प्लेयर को कंटेक्ट कनेक्ट कौन करता है, वो करता है एक कोच या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन या स्टेट एसोसिएशन। अब ये है सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस, बट सॉरी टू से दैट, मैं बड़ा आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए, जितनी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट और जितनी भी नेशनल, और अगर आप बोलता हूँ कि जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फेडरेशंस हैं हमारी, ये पॉलिटिकली ड्रिवन है। बिना पॉलिटिक्स के ना तो ये एफिलिएशन ले सकती हैं मिनिस्ट्री में, ना ये IOA को अप्रोच कर पाती हैं, क्योंकि इनमें इतना दम ही नहीं है। दम होता कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर सामने खड़ा करा जाए, भाई साहब बोले वो स्टेट गवर्नमेंट, भाई साहब ये प्लेयर कहाँ से आया, अच्छा ये प्लेयर, इसको तो हमने रिकॉग्नाइज नहीं करा, इस फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करा जाए, हमारे पास वो दम ही नहीं है आज तक। हमारे पास ये दम है कि ये मिनिस्टर को बुलाते हैं हम चीफ गेस्ट, जो भी कोई वो होता है ना अपना नेशनल स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ के MLA मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो सबको बुला लेंगे, इसको बोलते हैं शक्ति प्रदर्शन, भाई हमारी देखो कितनी पहुँच है। अरे आपकी पहुँच जब देखी जाएगी, जब आपका प्लेयर एक इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, इससे शक्ति प्रदर्शन और ये सब कुछ नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ पॉलिटिक्स भी हमारी क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ताकि हमें ऐसे मिनिस्टर मिले जो सच में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए मिनिस्ट्री में अगेन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप बिल्कुल हर चीज़ क्लियर रखें, ताकि जो जितने भी लोग हैं वो बेचारे देखते हैं कि हमारी फेडरेशन के क्या स्टेटस है, वो मिसगाइडेड ना हो जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें RTI डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे देश का, पूरी जनता का सवाल है, उनको जानना चाहिए कि ये फेडरेशन का स्टेटस क्या है और आगे क्या हो सकता है, या इनके कागज इन प्रोसेस हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक उधर वाला बोलता है जी मेरे कागज इन प्रोसेस है, मेरे को होने वाली है, और दूसरा बोलता है मेरी भी होने वाली है। अरे होने किसके वाली है, हमें पता ही नहीं, मैं तो प्लेयर हूँ।
ना इधर जाऊं ना उधर जाऊं, मैं क्या करूं? मेरा जो कोच बोलेगा अब वो वहां जाएगा, और कोच भी चमचे हैं काफी सारे, जो कोच है वो चमचे हैं फेडरेशन के, और चमचा क्यों ना बने कोचों के लिए, मैं ये गलत नहीं बोलूंगा, कोच चमचा क्यों ना बने, जी क्योंकि ये तो रीति बनी आई है कि भाई जितना बड़ा जो चमचा उतना बड़ा वो कोच, ठीक है ना? तो बेचारे ठीक। कोचों की भी मजबूरी हो गई, अब वो दूसरा तो 7 डैन लेके घूम रहा है, इसको बेचारे को 3rd डैन है, तो मैं तो 7 वाले से सीखूंगा, क्योंकि वो तो फेडरेशन में, जी जी वहां कुर्सी पे बैठता है वो तो फेडरेशन पे, अब फेडरेशन में कुर्सी पे बैठ जाने से वो कोच की योग्यता सिद्ध नहीं होती है, कोच की योग्यता सिद्ध जी होती है उसके प्लेयर से। तो यही मेरा कहना था। हाँ तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं ज्यादा भूल गया इसमें। कोई बात नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जैसे कि और खेलों में हम स्कूल के थ्रू चयन करते हैं प्लेयरों हाँ जी का, तो कराटे में मेरे ख्याल से कराटे स्कूल गेम में नहीं है ना, कोई स्कूल गेम में इसकी चैंपियनशिप होती जैसे और खेलों की होती है, तो खेल मंत्रालय को मेरे हिसाब से अगर ये स्कूल खेल में भी डाल देना चाहिए तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता नहीं है। सर, अभी आपको शायद थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन होगी, शायद ये स्कूल गेम फेडरेशन में है जी कराटे, बस अब अभी जो बादल मंडरा रहे हैं ना अपने इसके ऊपर, जो जी थोड़े से गहरे बादल जी मंडरा रहे हैं जो फेडरेशन के ऊपर और इस सब के ऊपर, मुझे लगता है स्कूल गेम फेडरेशन से ना बाहर हो जाए, और जो लोगों को हमारे दिल्ली में अच्छा जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको कुछ पैसा मिलता है, जो कि बहुत छोटे तबके से नीचे के तबके से आ रहे हैं, उनको हमने प्लेयर बनाया है, फ्री में सिखाते हैं हम लोग उनको, जी उनको थोड़ा सा धनराशि मिल जाती है अपने प्रिपरेशन करने के लिए और स्कॉलरशिप मिलती है, तो अभी तो स्कूल गेम फेडरेशन इज फाइन, उसमें है अभी। ओके सर। सर मेरा अगला सवाल है कि आपको नहीं लगता कि कराटे में अनेकों स्टाइल होने के कारण इतना सम्मान नहीं मिल पा रहा जितना कि और खेलों को मिलता है, क्योंकि अधिकतर कराटे से जुड़े हुए अधिकारी अपनी अपनी स्टाइल को बढ़ाने में लगे हुए हैं जिसका नुकसान कराटे को हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये स्टाइल वाला जो चक्कर है ना, ये सबसे सबसे जी बेकार चक्कर है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो जी ये फेडरेशन के लिए पैसे कमाने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, किसी के स्टाइल को एफिलेशन दे जी दो और किसी का डी एफिलेट कर दो, देखो फिर जिसका एफिलेटेड होगा उसके पास सारे आएंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, देखिए एक स्पोर्ट्स जी फेडरेशन है कराटे, कराटे की स्पोर्ट्स फेडरेशन जी है, उसका काम क्या है? उसका काम स्टाइल चीफ तो नहीं है, क्योंकि ओलंपिक चार्टर पे अगर जाके दोबारा पढ़ेंगे उन सब चीजों को, तो देखिए आपका सिर्फ आप एक नेशनल फेडरेशन है, मतलब इंडिया की फेडरेशन है, अब इंडिया की फेडरेशन को मिलाएंगे अगर उसको देखेंगे तो वो टुकड़ों में बटी हुई है, जो कि जितने की स्टेट है हमारे पास, ठीक है? जी तो जितने हमारे पास स्टेट हैं वो बिल्कुल सारे स्टेट एसोसिएशंस हैं, वो जाके नेशनल फेडरेशन बनाती हैं। अब यहां उल्टा हो रहा है, जी यहां स्टाइल चीफ फेडरेशन बनते हैं, बना रहे हैं सारे सारे इस स्टेट का स्टाइल चीफ, मैं स्टेट, ये क्या होता है यार स्टाइल चीफ, ये क्या चीज है? हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप स्टाइल्स की बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स में सारा कराटे एक हो जाता है। अब ये सब सारा जी कराटे जब एक हो गया है तो इसमें स्टाइल से क्या लेना देना? ये स्टाइल चीफ आ जी जाए जी 20,000 25,000 वो दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, देखिए दीजिए पैसे भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो तुम दे रहे हो वो गलत कर रहे हो, मतलब लेने वाले को क्या है, लेने वाले को तो अब जो भी ला रहा है आ रहा है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जी हमारे को स्टाइल चीफ की जरूरत नहीं है इंडिया में, क्या जरूरत है आप बताइए? कोई जरूरत नहीं है, और जितने लोग इंटरव्यू देख रहे हैं बिल्कुल ना सर मेरा, और ये बिल्कुल कड़वा लगेगा उनको, हमारे इंडिया में स्टाइल चीफ की जरूरत नहीं है, और ना हमारे को जरूरत है बिल्कुल फेडरेशन की ब्लैक बेल्ट की। आई एम सॉरी मैं जी फेडरेशन के बारे में बोल रहा हूँ, और ये इनकम है फेडरेशन की, मैं क्षमा मांगता हूँ इसलिए, क्योंकि ये रियलिटी है। देखो मैं आवाज उठाता रहा हूँ, मैं अभी भी आवाज उठा रहा हूँ, शायद कई लोग मेरी बात का बुरा माने, कई लोग अच्छा माने, मेरे को मतलब कोई वो नहीं है, ये मेरा अपनी विचारधारा है। ना तो हमारे को स्टाइल चीफ की जरूरत है, ना हमें नेशनल फेडरेशन की ब्लैक बेल्ट की जरूरत है, हमारे को ना रेफरी की भी जरूरत है जो इंटरनेशनल रेफरी बन रहे हैं। अरे 50 तो इंटरनेशनल रेफरी हो गए यार, 50 इंटरनेशनल रेफरी से क्या करना है? हम अगर अपने आप जी को बनाना चाहेंगे तो हम यहाँ पर इंडिया में अपने नेशनल रेफरीज बना रहे हैं, उनके हिसाब से आप नेशनल चैंपियनशिप करा सकते हो, इंटरनेशनल रेफरी 5-10 होने चाहिए, तो इंटरनेशनल प्लेयर कहाँ है हमारे पास? इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, जितने इंटरनेशनल रेफरी और जज है हमारे पास। तो जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए जो भी स्टाइल चीफ्स हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अपने स्टाइल के चीफ हैं, बट आप स्टाइल के चीफ हैं तो आप कंट्री में एक ही है ना,
तो आपको एक और सर्टिफिकेट क्यों लेना है स्टाइल चीफ बनके? फेडरेशन को स्टेट को मैनेज करने दो और स्टेट एसोसिएशन को डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को मैनेज करने दो। ये स्टाइल चीफ का जो फंडा है ना, इसको बाहर निकाल देना चाहिए बिल्कुल फेडरेशन से, अगर फेडरेशन अच्छी चलानी है। नहीं तो वो स्टाइल चीफ क्या करता है, आके कुर्सी में बैठता है, आके फिर सोचता है मैं बड़ा स्टाइल चीफ और हमारी फेडरेशन में यही है सबसे बड़ा। एक बड़ा स्टाइल चीफ, फिर बड़ा स्टाइल चीफ, वो उसके प्लेयर उठा लेगा, वो उसके उठा लेगा, वो इसके कर लेगा, वो ब्लैक बेल्ट सस्ती देता है, वो ब्लैक बेल्ट महंगी देता है। अरे भैया बाजार है क्या, मार्केट है क्या, जिसकी दुकान सस्ती उसके पास ज्यादा जाएंगे? वेरी वेरी सैड दिस थिंग कि लोग अब बेल्ट बेचने लगे और जो स्टूडेंट है ना वो देखने लगे, अरे ये तो 1500 की बेल्ट दे रहे हैं, वो 15000 रुपए की दे रहे हैं, अरे वो दे रहे हैं ना, तुम इनको कंपेयर मत करो, जहां से सीखा वहां से ब्लैक बेल्ट लो, क्योंकि जो उन्होंने सिखाया और आज आप उनसे सीख के उस लेवल पे पहुंचे हो, आपको ब्लैक बेल्ट वहीं से देनी चाहिए। अब सस्ती सस्ती और महंगी देखने लगे, 5 साल तो नहीं देखा सस्ती महंगी क्या थी, और जब आपको उस काबिल बना दिया एक कोच ने, अब आप उससे छोड़ के, उसने बोला 15000 की, उसने छोड़ के 1500 वाली ले रहे हो। देखो ये भी कोई चीज गलत नहीं है, अगर आप देखते हो आप दुकान, आपने पता क्या कर दिया, कराटे को रिस्पेक्ट देने की बजाय और रिस्पेक्ट और उस लेवल पे रखने की जगह आपने कराटे को बना दिया बाजार, ये महंगा है ये सस्ता है। अरे वो रिस्पेक्ट अगर होगी तो आप महंगा भी लोगे। ये स्टूडेंट टीचर का काम खत्म होके कस्टमर और शॉपकीपर बन गए, स्टूडेंट और टीचर का रिस्पेक्ट रखा जाए तो वो ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज माय आंसर मेरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप जी। सर अगला मेरा सवाल यह है कि अक्सर देखा गया है कि अधिकांश कराटे एसोसिएशन द्वारा चयन प्रतिक्रिया में भेदभाव किया जाता है, जिससे टैलेंटेड खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए भेदभाव तो होता है और हर एक गेम में होता है। आप सोचते हो कराटे में है, शायद मुझे लगता है मेरी आंखों के सामने एक दो बार हुआ है, मैंने उसके लिए आवाज़ भी उठाई है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो आप बहुत गलत आदमी हैं। मैं आप सबसे बोलता हूँ, अगर जहाँ भेदभाव हो अड़ जाओ, बीच में खड़े हो जाओ और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग लेके सामने आ जाओ। एक बार रोक दोगे, दो बार रोक दोगे, 10 बार रोकोगे तो दूसरे को शर्म नहीं आएगी क्या? ये साफ करने के लिए आप ये मत सोचना अरे हम नहीं बोलेंगे। अरे आप नहीं बोलोगे, अगर आपको लगता है आप नहीं बोलोगे तो कोई नहीं बोलेगा, अत्याचार सह रहे हो सह लो। ये वक्त वो नहीं है कि आप, आपका प्लेयर, आपने तो अत्याचार सह लिया पर वो प्लेयर आपको छोड़ के चला जाएगा। और मेरे साथ हुआ है सर, मेरा प्लेयर, मेरा फाइटर जी, मेरे मुंह पे बोल के बोला है, बोलता है देखो सर मैंने इतने पॉइंट लिए नहीं मिला, मैं आज के बाद कराटे नहीं लड़ूंगा। तो ये रेफरीज, ये मेरी जो वर्ड है, ये सारे जितने भी रेफरीज हैं ना और जितने भी जज, ये उनके लिए है। फेडरेशन क्या चाहती है, तुम क्या चाहते हो? आप एक पुलिसकर्मी हो समझ लो, अगर आपका खुद का लड़का गलत कर रहा है आप उसको अरेस्ट करते हो, अगर आप पुलिस वाले हो, अगर अच्छा वो करते हो, अच्छे फर्ज पे चलते हो। ऐसे ही एक रेफरी जज है, अगर आपका खुद का लड़का अंदर खेल रहा है और दूसरा लड़का अच्छा है, आप अपने लड़के को हराने की हिम्मत रखो। सच बोलता हूँ, अगर आपने ये हरा दिया ना उसको, अगले साल वो उससे डबल पावर के साथ निकलेगा, और अगर आपने उसको ऐसे जितवा दिया तो उसको कोई भी, मैं बोलूँ कुत्ता भी हरा देगा, समझे? तो अपने बच्चों को शेर बनाइए, शेर। और सारे कोच जिनके भी सामने बोलता हूँ मैं, जितने भी आपके पास प्लेयर्स हैं, उनको शेर बनाइए, कुत्ता नहीं बनाइए। और आप उनको आदत डालते हो, मेरे पास कोई भी आ जाता ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपके चैनल के थ्रू बोल देता हूँ, शायद मेरे स्टूडेंट भी बोल देंगे। एक दो बार मेरे पास आए सर, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर देखो मेरे साथ चिटिंग हो गई, तो बोले 19-20 खेला था मैं, थोड़ा बस क्लोज था, ड्रॉ होने वाला था, उन्होंने उसको जिता दिया। मैंने कान पे रख के थप्पड़ मारा एक, मैंने कहा अब ये चीज़ मैं नहीं सिखाता हूँ, मैंने कहा 19-20 हो गया ना तो बोलना नहीं, आपका प्लेयर का गेम इतना क्लीन होना चाहिए कि 19-20 नहीं 0-20 होना चाहिए। सो अगर इतना अपने दम है तो आप रेफरी जज पे बैठे हो, आपको अपना लड़का दिखेगा कि हाँ यार इतना फ़र्क है, आप बिल्कुल अच्छे से करोगे। और देखिए भेदभाव हर एक गेम में होता है, और आपका एक क्वेश्चन बहुत जायज़ है आपने जो पूछा ना मेरे से जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ ना बहुत सारे लोगों के अंदर ना मिसकंसेप्शन है, दो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, दो प्रॉब्लम में, एक प्रॉब्लम ये है कि पहला नंबर जो प्लेयर है ना वो रूल नहीं पढ़ता,
वो सोचता है कि यार मैंने तो मारा था पर मेरे को जीतना चाहिए था। अरे पहले रूल्स पढ़ के आओ, रूल पढ़ो, क्या आपको लगता है सच में आपने ऐसा करा था? और जब मुझे मैंने मेरे को कई बार टूर्नामेंट में मुझे रूल समझाना पड़ता है, भाई ठंडे हो जाओ, ये आपको रूल नहीं पता, वो नया रूल है या ये रूल है, आपको इस तरीके से करना चाहिए। और दूसरा हमारे रेफरी जजेस का तो मैंने आपको दोष बता दिया कि वो करप्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि फेडरेशन को वो बनाते हैं, फेडरेशन आपको नहीं बना रही है। फेडरेशन में आपको खुद जाना है और आगे अपना एग्जाम पास करना है। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हो, आप अपना एग्जाम अपने बेस पे पास करते हो, ठीक है? और अगर कहीं गलती होती है, आपको आवाज उठानी है। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो समझ लीजिए जो अत्याचार हो रहा है वो दुगना होगा। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये दिस वाज माय आंसर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के बीच में दिमाग में ये लगा हुआ था कि बहुत सारे उसमें होता है कि जी भेदभाव हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऑफ कोर्स एक पुराना मजा हुआ प्लेयर या ओलंपिक मेडलिस्ट आज नेशनल लेवल खेलेगा तो बहुत सारे रेफरी जजेस के दिमाग में जरूर आया होगा कि यार ये ओलंपिक मेडलिस्ट है और ये तो नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल है, शायद ये ही जीतेगा। तो ये वाली भावना भी बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है। तो हमें इस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकालना है, क्योंकि रेफरी उस तरह का ट्रेंड होता है, उसके दिमाग के ऊपर किसी भी चीज़ का वो प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली दिमाग से उसको अपना डिसीजन देना चाहिए। जी सर। सर मेरा अगला सवाल है कि कराटे नीति में क्या नए प्रावधान या सुधार हो जिससे खिलाड़ियों का टैलेंट बढ़ सके? देखिए दो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी जो कि होनी चाहिए ही। जी। नेशनल फेडरेशन को स्टेट एसोसिएशन को संभालना चाहिए और स्टेट एसोसिएशन को संभालना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन। अब मैं सीधा बोलता हूँ, बिल्कुल गलत शब्दों में बोलूँ, चाहे भाड़ में जाए बाकी सब, भाड़ में जाए हमारे स्टाइल चीफ भी, जो भी बोलते हो आप या अपने ब्लैक बेल्ट देने वाले, क्योंकि यहाँ करप्शन शुरू हो जाती है, यहीं पे करप्शन शुरू होती है। और सॉरी क्षमा मांगता हूँ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ भाड़ में जाए, क्योंकि ये प्लेयर नहीं बना सकता कभी, स्टाइल चीफ क्या बनाएगा बताओ मुझे? एक कोच, आप कोच असाइन कर दो, अपने डिस्ट्रिक्ट का कोच असाइन कर दो एक ऑफिशियल, अपने स्टेट का एक ऑफिशियल कोच असाइन करो, नेशनल कोच असाइन करो, ये कोच हैं जो बनाएंगे प्लेयर, ये कोच हैं जो बनाएंगे प्लेयर, ना कि स्टाइल चीफ। स्टाइल चीफ तो ऐसे ही खरीद खरीद के बैठ रहे हैं सर्टिफिकेट, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, मैं 7 डैन, मैं 8 डैन, मैं 9 डैन, मैंने ये नेशनल का ये बन गया, और उसके और बच्चे टूटते हैं, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और सोचते हैं कि मैं भी स्टाइल चीफ बन जाऊँ। एक स्टाइल चीफ के 4 बच्चे कल कट गए और वो 4 और स्टाइल चीफ बन गए। अगर ये सब चीज़ें प्लीज़ ख़त्म कर दी जाए ना, मैं आपसे बिल्कुल ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी कराटे फ्रेटर्निटी है, कोचिज हैं, प्लेयर हैं, फेडरेशन के ऑफिशल्स हैं, क्या ये हम प्रथा बंद कर सकते हैं स्टाइल चीफ और ब्लैक बेल्ट देने की? ये हाथ जोड़ के तुम्हारे से विनती है सबसे, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से अगर फेडरेशन चलाओगे, मुझे लगता है कि शायद ये फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, प्लेयर नहीं बना पाएंगे। आप बोलो ना प्लेयर बनाओ, हम प्लेयर बनाएंगे। आप बोलोगे स्टाइल चीफ बनाओ, हम स्टाइल चीफ बनाएंगे। आप फेडरेशन, आप बोलो ब्लैक बेल्ट बनाओ, हम ब्लैक बेल्ट बनाएंगे। आपको किस चीज़ की जरूरत है ओलंपिक खिलाने के लिए? ना तो ब्लैक बेल्ट की जरूरत है, ना स्टाइल चीफ की जरूरत है। तो हम सिर्फ फोकस करते हैं अपने टारगेट की तरफ, आगे बढ़ाते हैं, कैंप लगाते हैं इंटरनेशनल लेवल के। आप मुझसे ये बताओ, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के कैंप हुए हैं अभी भी, उनसे ना तो किसी किसी गोल्ड मेडलिस्ट से ये पूछा जाता है तो ब्लैक बेल्ट था या ब्लैक बेल्ट है, कोई वर्ल्ड चैंपियन है गोल्ड मेडलिस्ट, उससे कभी नहीं पूछते तू ब्लैक बेल्ट है? नहीं भाई, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा तू स्टाइल चीफ है? नहीं। तो आप ये बताओ, जब उसमें भेदभाव उसमें है ही नहीं, ये चीज़ें वो है ही नहीं क्वालिटी, तो यार आगे क्या सोचते हैं हम लोग? हमें प्लेयर को हेल्प करनी चाहिए। आप बोलो जी ऐसा है कि आप जितने भी ब्लैक बेल्ट के पैसे दोगे, अगर इतना कर सकते हैं, या स्टाइल चीफ जितने बनेंगे, जितने पैसे जमा होंगे जी, ये कर लो, जितने पैसे जमा होंगे इससे प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाएगा। मैं इसके अंदर हूँ, मैं ओके करता हूँ, पर ये पैसा जाता कहाँ है मुझे ये नहीं पता जी। तो ये हमारे सुधार करने के लिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं, और हो सकता है और भी हो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी विचारधारा है, और मेरी विचार मुझे लगता है कि शायद आप सबसे मैच करते होंगे, और आप शायद जो लोग सुन रहे हैं आपका चैनल, तो
मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए अगर आप इस बारे में सोचेंगे नहीं ना तो कभी भी इसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचिए, जो पुराना चलता आया पुराने टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ स्टाइल चीफ के एग्ज़ाम होते थे। अगर आज हम स्टाइल चीफ के एग्ज़ाम करने लगेंगे तो स्टाइल चीफ के एग्ज़ाम नहीं करने चाहिए हमें करने चाहिए नेशनल कोच का एग्ज़ाम। आ बेटा खड़ा हो, कितने तूने प्लेयर बनाए, किस हिसाब से तू करता है, और आज नेशनल कोच को पता है कैसे बनाना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में डिग्री होनी चाहिए सबसे पहला, उसकी एजुकेशन देखनी चाहिए, उसका खुद का बैकग्राउंड देखना चाहिए, कितना टाइम क्या ट्रेनिंग करा क्या रहा, ये चेक करना चाहिए। और तो और मैं बोलता हूँ कि उस लेवल पे इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए पहले, कि हमारे नेशनल फेडरेशन में आप सिखा पाए, उस लेवल पे इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो जाके हम लोग अपना एक अच्छा नेशनल कोच या स्टेट कोच या डिस्ट्रिक्ट कोच बना पाएंगे। हम आज तक एनआईएस में नहीं आ पाए कराटे, एक बार शायद 2004 की बात है 2001 की बात है मुझे याद नहीं है, तो उसमें एनआईएस हुआ था, उसके बाद से एनआईएस है नहीं कहीं भी, कुछ नहीं है, कराटे का क्या लेना देना कुछ नहीं, हम आपस की लड़ाई से ही नहीं निकल पा रहे यार। ये सुधार यही होगा कि हम आपस की लड़ाई बंद करें, और ये लड़ाई पता क्यों हो रही है आप बताओ मैं आपको कुलदीप जी, लड़ाई इस चीज़ के ऊपर हो रही है कि कौन नेशनल फेडरेशन बनाएगा। अब आप ये बताओ इस नेशनल फेडरेशन को बनने में, यार सारे ही तो चाहते हैं नेशनल फेडरेशन, मैं बोलता हूँ AIKF बोलता हूँ, काई बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ लाल दरदा सिंसाई ने एक और बना दिया, एक और बन गया त्यागराजन सिंसाई है अपने भरत सिंसाई है, अरे सारे क्लेम कर रहे हो नेशनल फेडरेशन के लिए, मान लेते हैं आप सारे कर रहे, अरे सारे मिलके एक टेबल पर बैठ जाओ यार, खत्म कर दो काम। मैं भी वही चाहता हूँ, हम सबकी विचारधारा एक ही तो है, अगर हम सबकी विचारधारा एक ही है, ब्रिंग इट ऑन वन टेबल, एक टेबल पे ला के बैठा दो सामने, आप इस पर में बात करो, देखो प्लेयर्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये प्लेयर इफेक्ट हो जाएंगे। और आज मैं बोल रहा हूँ प्लेयर छोड़ छोड़ के कराटे कुछ और ढूंढ रहे हैं, कोई पैनकेक सिलाप जा रहा है, कोई जिजुत्सु कर रहा है, कोई किक बॉक्सिंग में जा रहा है, अरे क्यों छोड़ रहे हैं भाई, उनसे तो पूछ ही नहीं रहा, उनका कोई उनका प्लेयर का कोई गम नहीं पूछ रहा, कोच को भी पता है कि यहाँ नहीं चल बेटा तू एक काम कर कराटे नहीं चल हम ताइक्वांडो करेंगे कल से, कोई बात ही नहीं है। हमारी मार्केट खराब हो रही है कराटे में, मैं बता रहा हूँ मार्केट, मतलब ये नहीं कि वो वाली मार्केट जो मैंने बेल्टों वाली बताई है, मार्केट मतलब हमारा जो स्टेटस है ना इंडिया में कराटे का, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और मुझे लगता है आपने इंटरव्यू भी इसीलिए लिया है ये मेरा, कि कुछ क्लियर हो, कुछ लोगों के बीच में दोबारा से उत्साह की लहर आए, या उनको कुछ प्रोत्साहन मिले कि मैं उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं, या खुद अपने आप उस फेडरेशन का चयन करें जिसमें उनको ज्वाइन करना है। और मैंने बता दिया उसके अंदर एक सीक्रेट है जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन है, फाइंड आउट करो कौन इंटरनेशनल फेडरेशन से एफिलिएटेड है, WKF से देखो कौन है। इस टाइम मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड है। अच्छा सर, तो ये बात आपने बताई थी सर। देखिए मैं आपको साफ बता देता हूँ, देखिए आज अगर इंडिया में देखें तो एक कांग्रेस पार्टी है, एक नरेंद्र मोदी जी अपने भारतीय जनता पार्टी है, तो दो पार्टियाँ हैं ना, ऐसे ही कराटे में भी दो पार्टियाँ समझ लीजिए। अब मैं ये पूछता हूँ कि अगर दो पार्टियाँ हैं तो जो पार्टी राज कर रही है, बीजेपी जिनका सेंटर चल रहा है, क्या वो कांग्रेस वालों को सबको बोलता है इंडिया छोड़ के चले जाओ? नहीं बोलते ना, ये तो पॉलिटिक्स है, आपको उस देश में रहना ही पड़ेगा। ऐसे ही काई और कियो, ये दोनों आपस में दो पार्टी हैं। अब जहां आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट है आ रही है इधर की आ रही है, या कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फेडरेशन से स्टेटस में इसका परमानेंट मेंबरशिप है WKF से, अगर ये आने वाली है तो क्या हम कराटे छोड़ देंगे? क्या वो जो प्लेयर जो काई में खेलते थे वो काई में ही खेलेंगे? ये बेवकूफ़ी है, हम देश में हैं एक ही है, अगर हम बोले हम कराटे एक ही है, आज कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन आ गई है तो हम उनके साथ ही चल लेते हैं, क्योंकि उनकी सरकार चलेगी, अब उनकी सरकार मतलब उनके पास सारा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, सरकार आ जाएगी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आ जाएगी। मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि जल्दी आ जाएगी, बट आ जाएगी, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का स्टैंप है जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन बनती है। अब कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनों के पास मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं
बुराई तो नहीं करना चाहता हूँ, बट हमारा काम, मैं भी काई में था, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने काम काई में बहुत काम करा, पर जिस तरीके से काम चलना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हो पाया। और अब ये जी दो पार्टियों में से अगर एक पार्टी जब कराटे कर ही रही है, तो मैंने कराटे तो नहीं छोड़ा ना, मैंने कराटे नहीं छोड़ा है, मैंने काई या कियो जी छोड़ी, ठीक है वो आप मान सकते हो, पर मैं कराटे करता हूँ, मेरे सारे भाई हैं, मेरे जितने भी कराटे करते हैं ना, सारे मेरे भाई हैं, पर मुझे तो जी देश के साथ ही चलना पड़ेगा ना, मैं देश से अलग तो नहीं जा सकता, बिल्कुल तो मेरे पास जी यही एक विकल्प बचता है कि मैं जो चलेगा उसके साथ ज्वाइन कीजिए, पर मैं अपने बच्चों को भी ये नहीं बोल सकता हूँ, जो आगे खेलेंगे उनको क्या आप बोल सकते हो कि नहीं आप कई में खेल दो, आप इसी में खेल लो क्योंकि हम आगे कुछ करेंगे। अरे आप कुछ करेंगे तो कुछ पेपर वर्क होगा, कुछ डॉक्यूमेंट होगा, रिलीज कीजिए उस डॉक्यूमेंट को, आप दिखाइए कि ये ऐसे कर सकते हैं, या आपके पास WKF की एफिलिएशन है और ओलंपिक चार्टर बदल गया है, नहीं बदल सकता ओलंपिक चार्टर, ओलंपिक चार्टर तो वही है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बनाया हुआ है वो, और अगर ओलंपिक चार्टर बदल गया है तो वो दिखाइए, या आपके पास वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है तो वो दिखाइए, या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है तो दिखाइए, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है तो दिखाइए, आपके पास अभी कुछ नहीं है। अभी अगर आप बात करें तो कराटे इंडिया एसोसिएशन, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास अभी मान्यता है, तो मैं ये बोलता हूँ कराटे मत छोड़िए, आप रास्ता रखिए, आप उसी देश में हैं और आप करिए जो आपको कराटे आपको करा सकता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकता है। और फिर बता देता हूँ ये दो पॉलिटिकल जी ऑर्गेनाइजेशन है, जब कराटे से जी प्यार होगा ना जिसको, तब ये दो या तीन बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन बननी बंद हो जाएंगी, क्योंकि दो आदमी जब भेदभाव होगा ना टेबल पे बैठ के बात करेंगे, सर ये ऐसे है इसको ऐसे सॉल्व कर लिया जाता है, बंद कमरे में बाहर नहीं आएगा कुछ भी, यहां तो लड़ते हैं बाहर जाके कि जी ए हो गया वो हो गया, लड़ते क्यों हैं, इसने पैसा खा लिया उसने पैसा खा लिया, वो पैसा कहाँ का था मुझे बताओ, पैसा कहाँ का था, वो पैसा सिर्फ इसी चीज का था, बेल्टों का था, टूर्नामेंट करने वालों का था, स्टाइल चीफ वालों का था, किसी ने कुछ, किसी ने फेडरेशन के नाम पे पैसा ले लिया, किसी ने इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल खिलाने के नाम पे पैसा ले लिया। अरे यार वापिस आ जाओ उस देश के, अगर तुम देशवासी हो ना और देश से प्यार करते हो और तुम कभी प्लेयर रहे हो कोच, या ये फेडरेशन वाले अगर आप सच में देश का आधार कार्ड है ना तुम्हारे पास सबके पास, उस देश से प्यार करना सीख लो, अब प्यार करोगे ना तो कभी भी ये करप्शन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप फेडरेशन का पैसा खाते हो और आप फेडरेशन के साथ दगाबाजी करते हो और बच्चों के साथ दगाबाजी करते हो, तो वो अभिशाप ना जिंदगी भर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जितने छोटे बच्चे हैं ना 18 19 साल 25 साल 15 साल 10 साल, ये खेलना चाहते हैं, ये खेलना चाहते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है इंडिया में, हम ले जा सकते हैं, हम इंटरनेशनल खिला सकते हैं, लास्ट टाइम हमारे पास क्रोएशिया में वर्ल्ड कप में खेले थे बच्चे, तो जी वो जो क्रोएशिया में वर्ल्ड कप खेले थे बच्चे उनमें से कुछ पोजीशन भी आई थी, यार टैलेंट है, बस हमारी कमी है कि मैनेजमेंट की, और हमारी जो फेडरेशन के लिए है ना, ये जो ऊपर जो कुर्सियों पे लड़ते हैं ना, इन लोगों को समझाने की और इनको बताने की कि भाई ये लड़ने का टाइम नहीं है, जुड़ने का टाइम है। जी सर, सर मेरा अगला सवाल है कि कराटे ट्रेनिंग स्तर को सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए कराटे ट्रेनिंग को सुधारने के लिए मैंने आप पहले एक बार बताया कि अगर हमारे को इंटरनेशनल लेवल के कोच लाना पड़े वो लाए, जी दूसरा हमारा एक नेशनल कोच अपॉइंट करें जिसकी क्वालिफिकेशन हो, ये नहीं कि अरे ये ब्लैक बेल्ट है इसका, ये भी है इसके प्लेयर भी हैं ये भी हैं, नहीं मुझे चाहिए ऐसा प्लेयर नेशनल फेडरेशन का जो डाइटिशियन फूड, ओके जो कि उस डाइटिशियन की मैं बात करूं जो सप्लीमेंट्स की नॉलेज रखता हो और उन सब चीज़ों की नॉलेज रखता हो, जैसे कि सप्लीमेंट्स जैसे कि डोपिंग में ना आए, ऐसी इस लेवल का एजुकेशन होना चाहिए उसके पास, इस लेवल का एजुकेशन हो कि जी वो उन सबको वो एज दे सके, फाइटिंग के लिए वो एज दे सके कि ये एज है, देखिए इस लेवल पे आप फाइट कर रहे हो जिसमें ग्रीस का प्लेयर और आपका आप अपना हमारा प्लेयर दोनों की प्रैक्टिस सेम है, दोनों का पंच सेम है, अब आपको एक छोटी सी एज जस्ट एक सप्लीमेंट देने से हो जाएगी, जो हमारे इंडिया में बिल्कुल जीरो है चीज़ों के नॉलेज, उस लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए,
कि मैं इस लेवल का ये सप्लीमेंट दूंगा, इस टाइप का वर्कआउट करूंगा, हमारे साथ डॉक्टर्स होने चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए, बायो मैकेनिक्स के साइंटिस्ट होना चाहिए, आई मीन ऐसे लेवल के होने चाहिए लोग जो हमारी मूवमेंट समझ के बता सकें कि यार ये जो आपकी मूवमेंट है राइट लेफ्ट लेग में इंजरी कर सकती है, इस लेवल के बंदे चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। लोग गांव से उठ के आते हैं और इतने स्ट्रांग होते हैं, आप अगर आप देखोगे ना हमारे हरियाणा में देखो कुश्ती, बॉक्सिंग, अब जैवलिन, आप ये देखिए क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है तो सिर्फ एक चीज की, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी की। उसके अंदर बहुत सारी फील्ड है, हमें उस लेवल पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हर एक प्लेयर के साथ। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, देखिए जो इंटरनेशनल लेवल का एथलीट होता है ना, उसके खाने की हर एक शेड्यूल बना होता है कि इसके आपको ये खाना है, आपको ये खाना है, आपको ये खाना है। यहाँ तो मैंने देखा कई बार कैंप लगते हैं या नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, उसमें आलू पूरी पकौड़े मिल रहे होते हैं, तो वो आलू पूरी पकौड़े खा रहे हैं तो, और प्लेयर फाइट भी करेंगे, वो सस्ते में बन जाते हैं आलू पूरी पकौड़े सब, तो सब कर रहे हैं, चल रहे हैं काम। पर अभी तक शायद नेशनल फेडरेशन का अच्छा फूड रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगली बार हमारे डाइट पे भी ध्यान दिया जाए सब प्लेयर्स की, क्योंकि ये सबसे मेजर रोल है प्ले करता है, क्योंकि स्टेमिना इसी से सबसे पहले ख़त्म होता है, स्टेमिना ख़त्म टेक्निक ख़त्म। तो हमारे को ये, और हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर प्लस हमारे पास एक क्वालिफाइड कोच जिसके पास सच में बहुत अच्छी डिग्री हो कोचिंग की, ये होने चाहिए। जी सर। सर अंत में एक सवाल, देखा जाता है कि बहुत से कराटे खिलाड़ी धन के अभाव से आगे नहीं बढ़ पाते, इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए धन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, ये हमारे इंडिया में ना बहुत पुरानी प्रथा है, बहुत टाइम से चलती आ रही है। स्प्रिंटर भी नंगे पैर दौड़ते रहे, आप देखिए बाद में जाके जूते मिले तो जीत गए, और जूते जिसने पहने तो वो भी देखते हैं, अरे यार जूता कैसा आ गया, ये तो हमने कभी पहन के रनिंग नहीं करी। तो आज अगर कराटे की बात करें तो कराटे में आप देखेंगे शिन गार्ड, ग्लव, प्रोटेक्टिव गार्ड, ये सब चीज़ें लेनी कितनी महंगी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, 25-26 हज़ार रुपये की एक किट आती है। अब एक प्लेयर तो बना दिया पर 25-26 हज़ार रुपये की किट कहाँ से लाएं? और मैं उन लोगों को, उन कोचेस को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद। वो कोच जो कोच मिट्टी में खिलाते हैं, मिट्टी में बना रहे हैं, फर्श के ऊपर प्लेयर को ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ आपके इंस्टा पे, फेसबुक पे, जितने भी कोच है ना मेरे इंडिया को, उनको सलाम, क्योंकि आप लोग बिना मैट के बच्चे इतनी लेवल पे ट्रेन कर चुके हो जहां पर वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि देखिए अगर उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही सरकार अगर हेल्प कर दे कि एक इनको मैट मिल जाए 8x8 का, ये एकदम धूम मचा देंगे पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में हमारे बच्चे धूम मचा सकते हैं। हमारे पास टैलेंट है, बस प्रॉब्लम यही है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी जैसी है ना, हमारे जो प्लेयर हैं वो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। यहाँ पर मैंने अभी बात करी तो एक हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर थे अभी मेरे पास आए हुए थे, तो वो बोलते हैं सर हमारी कंट्री हमें कुछ नहीं देती जीतने के, जीत पे जाने पे, मेडल लेने पे हमारी कंट्री कुछ नहीं कहेगी, आप ले लो गोल्ड मेडल। पर हमारे यहाँ क्या होता है, जो गोल्ड मेडल लेके आता है उसको 6 करोड़ मिलता है या कितना करोड़ मिलता है, करोड़ों रुपया मिल गया। अरे उससे पहले कौन पूछेगा उसको, उससे पहले तो दो कुछ, वो बेचारा हजारों में से मेहनत करके वो आगे आ रहा है, उसको उससे पहले कुछ नहीं मिला, अब वो करोड़पति हो गया मेडल लेके। हमारे को पहले ही अगर इन्वेस्टमेंट दे दी जाए ना प्लेयर को, तो प्लेयर एक सच में जब लोग बोलेंगे ना स्कूल में से, ए आपको क्या बनना है, बोले मेरे को प्रोफेशनल प्लेयर बनना है। क्यों बनना है? सरकार शुरू से मदद कर रही है, मैंने बास्केटबॉल खेलना है, मेरे को आज से मेरे को पैसा मिलना शुरू हो रहा है, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत गया, मेरे को हर महीने पैसा मिल रहा है, मेरे को स्कूल की फीस नहीं देनी, मेरे को किताबें नहीं खरीदनी। पर मैं इस चीज पे मैं बड़ा दुख में प्रकट करता हूँ, क्योंकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी इतनी लेवल पे नहीं है। पर इतना ज्यादा हेल्प ना करके कुछ एक बेसिक लेवल का प्रोत्साहन दिया जाए, उनको थोड़ा सा धनराशि चाहे 500 400 या इवन सरकार की तरफ से कुछ थोड़ा सा ये दिया जाए कि चले यार सरकार में अगर इतने स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक जगह हमारा प्लेयर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है जहाँ पर उसको फ्री में शिक्षा दी जाए या फ्री में उनको
दिया जाए, अपना ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि अभी हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी कुछ ऐसे सेंटर हैं पर वो थोड़े कम हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं ना, आप देखते हैं वो जो जो उस तबके से आते हैं, गरीब बच्चे नहीं मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जो स्ट्रगलिंग बच्चे होते हैं, स्ट्रगलिंग जिनके माँ बाप भी खुद स्ट्रगल से निकले हैं और अपने बच्चों को भी वही स्ट्रगल सिखाया है, वो बनते हैं प्लेयर। और आज मैं बोलूँ तो अगर जो बच्चे आजकल अच्छे लेवल पे जिनको हर फैसिलिटी मिल रही है, वो बहुत कम सोचता है कि यार मैं प्रोफेशनल प्लेयर बनूं और कुछ कर पाऊं, या क्योंकि उनकी जो लाइफ है बड़ी कंफर्ट में जाती है। और प्लेयर की लाइफ पता क्या होती है, बार बार गिरना, बार बार उठना, और यही उनकी ज़िंदगी होती है, और वो बार बार उठते हैं। और जिसको सब कुछ मिल चुका होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जिनको सब मिलता है, घर में सब मिल रहा है, आपने हार्डशिप नहीं दी पेरेंट्स ने बच्चे को, बच्चे को ये नहीं बताया गर्मी क्या होती है, बच्चे का पसीना आते ही एसी ऑन हो जाता है, तो वो वाले बच्चों में ना मुझे बोलता हूँ कि मैं 0.5% अगर किसी ने सोचा होता है ना कि मैं करना है, वो सच में करता है। पर मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पास टैलेंट आज भी इंतज़ार कर रहा है गांव में, आज भी इंतज़ार कर रहा है ऐसे स्ट्रगलिंग पेरेंट्स के सामने, कि वो मजबूरन अपने बच्चे को नहीं डाल पाते हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि क्योंकि उनको एश्योरिटी नहीं है। ये ओलंपिक्स हजार, अब आप देखिए अभी हमारा ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल आया, ठीक है जी, जी। तो जो अब ओलंपिक का गोल्ड मेडल आया, पर इनके साथ प्रैक्टिस करने वाले जो 100 और 1000 बच्चे जो बड़े हुए होंगे इनके साथ, उन सबको तो नहीं मिला ना मेडल, तो एक को ही मिलता है। अब एक ने जो मेडल जीता, उनको डर लगता है कि यार मेडल मिलने वाले 100 में से नहीं, 1000ों में से 1 होगा, क्या पता मेरा बच्चा कर पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये उनका उनको वहीं रोक देता है। और पता चलता है कि बच्चे के कान पे थप्पड़ मारा, बोल रहा देख तेरा बाप सारा जिंदगी मजदूरी करता रहा, अब हम नहीं चाहते तू ये करे। तो वो ये सोचते हैं कि यार इसे नहीं करना, इसको ये नहीं करना, जबकि वो कर सकता है, बस उसको इनसिक्योरिटी लगती है, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी लगती है कि ये जो जो ये फील्ड है इसमें सारे लोग सक्सेस नहीं होते। इंडिया में आप देखो जगह में और गाँव में जाके देखो, जहाँ लोग मैं कई लोगों से ऐसे भी मिलता हूँ, वो 40 साल के हो गए हैं, अब वो कुछ और काम कर रहे हैं, कोई बॉक्सिंग कर रहा था कब, कोई नेशनल बॉक्सर था, कोई रेसलर था, वो कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। इंडिया में बहुत मिल जाएंगे आपको ऐसे बंदे, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इग्नोर करा गया उन लेवल पे, उस लेवल पे उनको जब पैसे की ज़रूरत है, घर में सिचुएशन ख़राब होती है उस टाइम, और जब वो इस साल हार गया, समझ लो एक प्लेयर एक साल हार गया, इसका मतलब वो ख़त्म तो नहीं हो गया है ना, अगले साल फिर कमबैक कर सकता है, कभी इंजरी हो जाती है प्लेयर को, उस टाइम सपोर्ट चाहिए। तो हमारे को ना जीतने पर नहीं, हमारे को प्रिपेयर करने के लिए पैसा चाहिए। जीतने के लिए पैसा 6 करोड़ रुपया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सरकार दे रही है, पर अगर वो उनमें से 6 में से अगर 5 करोड़ कर दिया जाए जीतने वाले का, और 1 करोड़ रुपया उन छोटे लेवल के प्लेयर पे लगा दिया जाए जो सच में उठने वाले हैं, उभरने वाले हैं, तो ये गोल्ड मेडल जो आज ओलंपिक का एक है, हम 10 कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद मुझे कॉल करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए चैनल पे, और मैं खुद आना चाहता था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आने के लिए, आपकी टीम और आपका धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं काल देशना के सीधे सवाल, जिसमें सीधे सवालों का जवाब देने के लिए श्री यशपाल सिंह कलसी जी ने हमारे सीधे सवालों का बहुत ही बेखूबी के साथ जवाब दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।